इस्लामाबाद का रेड जोन मैदान जंग बन गया। तनख्वाहों में इजाफे के लिए एहतजाज करने वाले सरकारी मुलाजमीन पर पुलिस की शेलिंग, लाठियां बरसाई, सड़कें धुआं धुआं हो गई। शेलिंग से कई अपराध बेहोश, ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। मुजाहरीन की जानिब से पुलिस पर पथराव, कई मुजाहरीन को धर लिया गया। मुल्क भर से आए सरकारी मुलाजमीन ने डी चौक समेत मुख्तलिफ मकामात पर धरना दे दिया। सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन लिए बगैर वापस जाने से इनकार। वफाकी वजीर इत्तला'आत छतरी फराज की गाड़ी को भी घेर लिया, कहा कि महंगाई कितनी बढ़ा दी है, कम तनख्वाहों में खर्चे कैसे कम करें, तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। उन्होंने भी अपने खर्चे कम किए, उसमें भी कोशिश करते हैं, लेकिन साफ प्रायोरिटी है। सर, हम सही सरकार में क्या करके काम कर रहे हैं बताएं आप। बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, बड़ी है जनता। ये 22 ग्रेड की बात नहीं हुई थी, 16 ग्रेड पे बात हुई थी, और ये 16 ग्रेड के लोग ही इत्तेजाज कर रहे हैं, लेकिन हमें शक था कि ये 22 ग्रेड वाले भी इनके पीछे इनमें शामिल हैं। इसमें अगर सियासी पार्टियां मुलव्वस होंगी और इसको सियासत का रंग देंगी तो फिर ये सरकारी मुलाजम जो हैं वो नुकसान में रहेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार सरकारी मुलाजमीन को करार दे दिया। कहा, कल ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने के मामला तय हो गए थे, अचानक ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान को भी शामिल करने का मुतालबा आ गया। अफसर अपनी तनख्वाहें बढ़वाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने कहा कि मुलाजमीन हुकूमत की बात मान लें या फिर पे एंड पेंशन कमेटी के फैसले का इंतजार कर लें, सूबाई हुकूमतों के मामला दिफा की हुकूमत के इख्तियार में नहीं। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज का सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद पर रद्द अमल, कहा खुदा के लिए सरकारी मुलाजमीन पर बेरहमाना तशद्दुद बंद करो, मजलूम सरकारी मुलाजमीन को आंसू गैस की शेलिंग और लाठियों का निशाना मत बनाओ, सरकारी मुलाजमीन दुश्मन नहीं, अपना हक मांगने वाले गरीब पाकिस्तानी है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी की भी सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद और आंसू गैस की शेलिंग की मजम्मत, कहा डी चौक इस्लामाबाद का मंजर देखकर शदीद तकलीफ हुई, इमरान खान आवाम के इस्तेहसाल के सिवा कुछ नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सिलेक्टेड हुकूमत मुलाजमीन के जायज मुतालबात तस्लीम करे और गिरफ्तार मुलाजमीन को रिहा किया जाए।